तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं ये फिगर आउट करने के लिए कि कोई स्टॉक ब्रोकर कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कितने से नहीं। जैसे हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि सेबी और एक्सचेंजेस, जिसमें एनएसई बड़ा एक्सचेंज है, इन सब का काम है कि इन ब्रोकर्स को सही समय पे ऑडिट करना और फिगर आउट करना है कि किस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अब फाइनेंशियल ऑडिट तो करना ही पड़ता है इनको, लेकिन ये भी देखना चाहिए विद टाइम कि कितने क्लाइंट इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे हैं। और ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं है कि क्या स्टॉक ब्रोकर अकाउंट खुलवाने के बाद ज़्यादा ध्यान नहीं देता अपने कस्टमर्स की तरफ, तो उस समय ही कस्टमर शिकायत करता है। जितनी ज़्यादा शिकायतें होंगी उतना प्रॉब्लम ज़्यादा है ब्रोकर के लिए, और सेबी या एक्सचेंज को उतना ही ज़्यादा अच्छे से कसना चाहिए ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स को। आज बात करेंगे 7 ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स की जिनकी शिकायत या कंप्लेंट रेट इंडस्ट्री के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है और उनमें प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। होपफुली प्रॉब्लम ना आए, लेकिन रिलेटिवली अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो उनमें दिक्कत तो शिकायत लेवल पर एटलीस्ट ज़रूर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने एक फिल्टर रखा है कि कम से कम 3,000 क्लाइंट्स होने चाहिए एक्टिव लेवल पे उस स्टॉक ब्रोकर के साथ। तो छोटे स्टॉक ब्रोकर्स को हमने इस लिस्ट में कंसीडर नहीं किया है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान देना होगा कि इसके अलावा भी और स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं जिनकी कंप्लेंट रेट इनसे ज़्यादा हो, लेकिन वो थोड़े छोटे ब्रोकर हैं, ज़्यादा क्लाइंट बेस नहीं है, लोकल लेवल पर ज़्यादातर काम करते हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आता है वो है SMIFS, इसको स्टुअर्ट एंड मैकटिच वेल्थ लिमिटेड भी कहा जाता है। ये कंपनी कोलकाता बंगाली कंपनी है, इनके पास करीब 5,463 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, लेकिन अगर हम शिकायतों की बात करें तो शिकायतें हैं 0.43%। मतलब इनके पास इनके एक्टिव क्लाइंट्स में से करीब 24 लोगों ने शिकायत की है इनकी सर्विस को लेके। अब जो इंडस्ट्री के एवरेज है वो है 0.11, तो अगर हम ओवरऑल पे बात करें तो करीब 10,000 में से 11 क्लाइंट्स शिकायत करते हैं, इनके केस में वो नंबर है 43, तो 4 गुना ज़्यादा दिक्कत है इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर में। अब सेकंड ब्रोकर इस लिस्ट में जिसका नाम है वो है बैलेंस इक्विटी ब्रोकिंग, ये कंपनी मुंबई से आती है, छोटा ब्रोकर है, 3,191 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, लेकिन शिकायतें इसके खिलाफ करीब 0.4 कंप्लेंट रेट बन जाता है। अब थोड़े बड़े नाम हैं, अब ध्यान रखिएगा, जो बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स हैं रिलेटिवली फेमस हैं, अब इनके खिलाफ अगर शिकायत होती है तो दिक्कत ज़्यादा लोगों को होगी क्योंकि इनके ओवरऑल लेवल पे एक्टिव क्लाइंट्स अच्छे खासे हैं। तीसरे नंबर पे जो नाम है वो है फायर्स सिक्योरिटी का, 33,500 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास, टोटल शिकायतें हो चुकी हैं 114, जो कि कंप्लेंट रेट या परसेंटेज में बात करें तो बनता है 0.34। अब बैंगलोर बेस्ड डिस्काउंट ब्रोकर है ये, इसके काफ़ी वीडियोस हम ला चुके हैं, अच्छा भी है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह में, लेकिन सर्विस में भी अच्छा है, लेकिन जहाँ तक शिकायतों की बात है वहाँ पे थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो फायर्स डेफिनेटली प्लीज़ वर्क ऑन योर दी कंप्लेंट रेट। चौथा नाम इस लिस्ट में और वो हमेशा रहा है फिनवेजिया का। अब जब हम इस लिस्ट में, ऐसी लिस्ट हम हर 6 महीने 8 महीने बाद लेके आते हैं ताकि आप लोग इससे यू नो कंफर्म रहें, आप हमेशा इन्वॉल्व रहें, पता रहे आपको कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो इस लिस्ट में हमेशा 2 या 3 बार इसका नाम आ चुका है और हमेशा हमें कमेंट्स में बताया जाता है कि फिनवेजिया अच्छा ब्रोकर है, 0 ब्रोकरेज देता है। जी हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन हम नंबर्स के बेस पे बात कर रहे हैं, आप एनएसई की वेबसाइट पे जाके खुद चेक कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इस ब्रोकर के पास 11,241 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, चंडीगढ़ से ब्रोकर आता है ये। अब चंडीगढ़ से ये काम करता है, नॉर्थ इंडिया का स्टॉक ब्रोकर है, 36 शिकायतें हो चुकी हैं, 0.22 कंप्लेंट रेट है इसका, माफ़ कीजिएगा 0.32, तो एक तरीके से इंडस्ट्री के एवरेज से 3 गुना ज़्यादा शिकायतें हैं। अब इस ऐसे ब्रोकर को हम लिस्ट से कैसे छोड़ दें, मे बी बाकी चीज़ों में अच्छा हो लेकिन कंप्लेंट रेट पे दिक्कत है, तो सर्टेन लेवल पे फिनवेजिया इफ़ यू आर लिसनिंग, योर क्लाइंट्स, सम ऑफ योर क्लाइंट्स आर हैप्पी, वो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट्स में भी वो बताने वाले हैं आई एम श्योर, लेकिन काफ़ी लोगों को दिक्कत है, अगर उन्हें शिकायत दर्ज की है तभी यहाँ पे ये नंबर बता रहा है, हमने कुछ अपनी तरफ से मैन्युफैक्चर नहीं किया, वे टॉकिंग नंबर्स एंड यू कैन चेक इट एज वेल फ्रॉम एनएसई वेबसाइट। अगला हम इस लिस्ट में आता है धनी स्टॉक्स का। धनी स्टॉक्स के पास 30,000 के ज़्यादा, मतलब करीब 39,000 क्लाइंट्स हैं, मतलब 40,000 को टच कर जाएगा ये कुछ ही दिनों में,
40,000 क्लाइंट और उसमें से 87 शिकायतें, 0.22 कंप्लेंट रेट है इसका। तो यहाँ पे धनी स्टॉक्स जो कि इंडिया बुल्स का एक सब्साइडरी है, वहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही है? इंडिया बुल्स के ज़माने में भी, जब इंडिया बुल्स सिक्योरिटी हुआ करता था जिसका अब नाम धनी स्टॉक है, उस टाइम में भी इंडिया बुल्स के खिलाफ शिकायतें रिलेटिवली ज़्यादा हुआ करती थी इंडस्ट्री के एवरेज से। पिछली वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में धनी स्टॉक्स का नाम फिर से आया है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। अगला नाम जो छठा नाम है इस लिस्ट में, वो है येस सिक्योरिटी का। येस बैंक के शेयर प्राइस में तो दिक्कत चलती ही रहती है, पिछले 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन अब येस सिक्योरिटी का नाम भी आया है। 17,721 क्लाइंट है, मुंबई से ऑपरेट करता है, लेकिन शिकायतें 33 हो चुकी हैं इसके खिलाफ, जो कि कंप्लेंट रेट अगर हम बात करें मैथमेटिकली स्पीकिंग तो 0.18% बनता है। अब इंडस्ट्री के एवरेज से 1.5 गुना ज़्यादा शिकायतें हैं। सर आपको येस सिक्योरिटी है आपका, नो सिक्योरिटीज़ नाम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से काम है कोई सिक्योरिटी नहीं है, नो सिक्योरिटीज़ की तरह ही काम कर रहे हैं आप, तो सर्टेनली यू हैव टू वर्क ऑन दैट। लास्ट नाम इस लिस्ट में आता है, थोड़ा अचंभित नाम है ये करेगा, वो है एशलर सिक्योरिटी का, जो चलाता है विजडम कैपिटल को, जो मार्जिन रूल के खिलाफ लड़ रहा है अकेला। तो वहाँ पे एक अच्छी बात है इस ब्रोकर के लिए, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत भी है। अब हमें हमेशा अनबायस रहना है, दैट इज़ वाई वी ब्रिंग ऑल द नेम्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू विद द नंबर्स। तो इस केस में इस ब्रोकर के पास हैं करीब 8,000 एक्टिव क्लाइंट्स और उसमें से करीब 14 लोगों ने शिकायत दर्ज की है। 0.17% बनता है इसका कंप्लेंट रेट, अगेन ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द इंडस्ट्री एवरेज। तो दोस्तों अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें ना, अगर हम देखें कि पूरी इंडस्ट्री में क्या हालात चल रहे हैं, तो 0.11 जैसे हमने आपको बताया, करीब 1,80,00,000 लोग ट्रेडिंग करते हैं अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के साथ, तो 2 करोड़ का जो नंबर है ऑलमोस्ट टच होने वाला है कुछ समय में। लेकिन कंप्लेंट रेट 0.11 इस महीने रहा है, जनरली ये 0.06 से 0.08% के बीच में रहता है, मतलब हर 10,000 लोगों में से 6 लोग शिकायत दर्ज करते हैं। मतलब शिकायत तो इससे ज़्यादा लोगों को होती होगी हम श्योर, लेकिन दर्ज करने का जो काम है वो 6 से 8, मतलब आउट ऑफ 10,000 पीपल करते हैं। हम हमेशा आपको यही कहेंगे कि अगर आपको दिक्कत होती है और लगातार दिक्कत होती है, तो आप कस्टमर सर्विस इनके इसके अलग अलग लेवल पे इन टच आइए, कॉन्टेक्ट स्टॉक ब्रोकर करिए, लेकिन एट द सेम टाइम NSE या SEBI में जाके भी अपनी शिकायत दर्ज ज़रूर कराइए, ताकि एक रियल पिक्चर सामने आ सके। एक तरीके से ये सिग्नल मिलेगा SEBI को, एक्सचेंज को, कि ये ब्रोकर पे कुछ दिक्कतें हैं। अब जो आज के नंबर्स हैं, जो आज तक के लोगों ने शिकायत दर्ज की है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो हमने आपके सामने इस वीडियो में रखे हैं। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल हो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर नाम याद रखिए, स्टॉक ब्रोकर्स के रिव्यूज़ भी करते हैं हम, वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री ओवरऑल, वी टॉक अबाउट वट एवर इज़ हैपनिंग। होपफुली आपको हेल्प ज़रूर मिलती होगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।